अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू द सेकंड वीडियो फ्रॉम पचनादा गोट मार्केट गोट फेयर में। आज हमारे साथ हैं, काफ़ी दिनों बाद मिले हैं इनकी। पहले हम लोगों ने वीडियो बनाई थी, किसान जो अच्छी बकरी पालते हैं और अपने यहाँ पर रखते हैं बकरी, उनकी सारी बकरियाँ एक एक करके दिखाएंगे हम लोग। अभी मेले में हैं और इसी वीडियो में हम लोग टच करेंगे इनके जो घर की बकरियां हैं फार्म की, वो भी इसी वीडियो में हम लोग ज्वाइंट करेंगे। सो आइए मिलते हैं इनसे, जानते हैं कितनी बकरी हैं इनके पास में। गब्बर और जी, क्या हाल है गब्बर भाई? बढ़िया है। और क्या चल रहा है काम? खूब बढ़िया चल रहा है। अच्छा, कितना माल लाए आज मंडी में? 20 बकरी लाए हैं, सारी जमुनापारी की। कुछ हंसा भी है इसमें? 2-4 हंसा भी हैं। अच्छा, एक एक करके बकरी दिखाएं और रेट भी बताते जाएं। खाली है या क्या बने? क्या बने? कितने दिन की? 2.5 महीना की है। ढाई महीना की? 2.5 महीने की है। थोड़ा तेज बोलो। 2.5 महीना की। और दांत दिखाओ एक बार इसके। आठ दांत की है, मतलब आठ दांत जाने की। कितने साल की है? तीन साल की। क्या रेट मांग रहे हैं इसका सिंगल में? 75,000 रुपये। ठीक है, और कुछ फाइनल रेट? फाइनल जब पर्सनल में जो बात है जी। अच्छा, नंबर बता देना, कोई दिक्कत नहीं है। इसका क्या डिटेल है? दो दांत। थोड़ा इधर घुमाओ उसको। दो दांत पे है, नई पाठी है अभी। इसका क्या रेट मांग रहे हैं? इसके 75। इसके भी? इसका तो कम कर देना चाहिए ना। नई पटिया है। ये तीसरी बकरी देख रहे हैं हम लोग, ये अंसा में है क्या? हाँ। खाली है, लोडेड है अभी? लोडेड है। कितने दिन की? 2 महीना की। 2 महीना की है। इसकी क्या रेट है? इसके 1,25। 1,25,000। बहुत से लोग ये समझते हैं कि रेट ज़्यादा मांग रहे हैं वीडियो में, पर आप लोग इनसे फ़ोन करके रेट और क्लियर कर सकते हैं जी। बकरी ऐसा नहीं है, हर बकरी का रेट अलग अलग होता है। और जानवर दिखाइए। और जे दो दांत के, ये अदंत में है। दो दांत जी अदंत में। इसका क्या रेट है अदंत वाली का? 20,000। इसका रेट 20। ठीक है। इसका? इसका 35। मतलब इनके पास में लाख से नीचे वाली भी बकरियां हजारों में भी है। लाख की बकरी मिलेगी। ठीक है। सो आप लोग इनके वीडियो को एंजॉय करें। एक बकरी और कौन सी, वो दिखाओ, आप बता रहे थे अभी। ये 20 बकरियां लाए हैं अभी। घर पे कितनी बकरियां रह गई है? 10 माशाल्लाह, ये बकरा हमने लिया है। अच्छा, बहुत लो क्वालिटी का हंसा। हंसा में है, थोड़ा कम क्वालिटी का है, एकदम बच्चा है ये। 4 लाख। ऐसे बकरे की क्या रेट मिले में मिलेगा गब्बर भाई? 35-35 हज़ार में मिलेगा एक जब बकरी। ठीक है, एक दो बकरी और दिखाई अच्छी। बैठोगे भैया, बड़ी बकरी दिखाओ गब्बर भैया। गब्बर सिंह है, इन्होंने बकरी के पाल के करोड़ों रुपए कमाए हैं अभी फिलहाल में, मुझे मालूम पड़ा है किसानों से। अभी मकान बना रहे हैं रोड पे। तो गब्बर भैया मकान बना रहे हो, मैंने सुना है। कितना पैसा लगा दिया अभी? लगा था 15 लाख। 15 लाख लगा दिए। हाईवे पे ही बना रहे? मैं रोड पे। जब वो कारिया ले 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 क्या? कार पे छुट्टा है तो। इसकी क्या डिटेल है बकरी की? इसके 65। 65,000 रुपये। खाली है या गाभिन अभी? गाभिन है, 15 दिन रहेगा। 15 दिन की गाभिन है? 15 दिन रहेगा ये। 15 दिन में बच्चा देगी? और कितने दांत पे है, कितने साल की है? साल 4 की। 4 साल की है। और 65,000 रुपये, ये कोई फाइनल रेट नहीं है, इसमें भी कम हो जाएगी। इतनी पुरानी क्यों है? जब दिनारी है।
दिनारी। दिनारी मतलब दांतों से मालूम पड़ जाता है। 10 साल की है ये। तो क्या रेट इसका? तो डिस्पोजल रेट होगा कितना? 35। ये डिस्पोजल रेट है? मैं तो जो है सर हंसी है ये भी। बकरा और बताओ आप ब्रीडर, ब्रीडर कितने का है? 35 का। 35,000 रुपये का। एक बार नंबर बोल दो अपना। 82-65-99-83-42। और अपना गांव का एड्रेस लोग अगर आना चाहें तो कैसा है? गांव हमारा चकननगर तहसील, ठीक है, इटावा जिला, प्रतापपुरा गांव, अनंतपुरा चौराहे से 3 किलोमीटर। सो हमारा कोई भी भाई अगर यहां आना चाहता है अपनी गाड़ी से आएगा तो ठीक रहेगा, क्योंकि यहां पर गाड़ी यहां बहुत मुश्किल से मिलती है, क्योंकि ये जो एरिया है बहुत जंगल एरिया है, यहां पर गाड़ियां बहुत मुश्किल से मिलती है। तो एक दो बकरी और दिखाइए। ये हंसी ये कितने की? जो 2 दिन की है। रोकर कितने की? कितने की बाबा ये? जब करिया कितने की है? 50 की। 50,000 रुपए की। तो गब्बर भाई यहाँ वाली बकरियाँ मिला के और घर वाली बकरियाँ मिला के टोटल कितनी बकरियाँ अपने पास? 30। 30 बकरियाँ हैं। मतलब खरीदी हुई है या घर की है? सारी खरीद की है। खरीद की है? कितनी खरीद की है इसमें? इसमें 15। 15 बकरी खरीदी हुई है। और घर पे कितनी बकरी रहती है? 10 खुद की बकरियाँ। हाँ। तो उन बकरियों से साल में कितनी इनकम हो जाती है? 10-12 लाख। 10-12 लाख रुपए कितनी बकरियों से? 10 बकरियों से। 10 बकरियों से 10-12 लाख बेचते रहते हैं। जैसे आपके पास में बच्चे हो जाते हैं बड़े तो बेच देते हैं? हाँ, ले आते हैं, बेचते रहते हैं। अच्छा ठीक है। सो आप लोग इनकी बकरियाँ देखिए, ये मेले में लाए हैं और कुछ बकरियाँ इसमें से बिकी है और बाकी की इनके फार्म की वीडियो हम लोग इसमें कवर करेंगे। तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक एंजॉय करें। ये इतने जो बोले बोलना बोल जाओ। गब्बर जी के बाड़े पे आ गए हम लोग और ये उनका छोटा सा फार्म है और ये उनके पिताजी हैं। राम राम दद्दू। राम राम राम। और ठीक हो? खूब। और कितने दिन से बकरी पाल रहे हैं आप? बकरी तो पाल रहा है 10-15-20 बार से भाई। बहुत मेहनत कर रहे हैं बकरी की लाइन में। हाँ। तो शुरू से कितनी बकरी रखी है आपने, थोड़ा बताएं? बकरी कितनी बकरी रखी है आपने शुरू से कुल रहा खतरा है? अच्छा, तो हाँ। अभी फिलहाल में कितनी बकरियां हैं अपने घर की? अबे घर की हैं, हम पे कहना अबे तो घर की कुछ मिलेगा ही। अच्छा हाँ। और जे हैं पांच। गब्बर जी से मुलाकात हुई थी हमारी पचनादा मेले में, वो तो मेले में। हाँ। उन्होंने बोला कि दद्दू मिलेंगे घर पे। हाँ। तो आप उनसे जानकारी ले लीजिएगा। हाँ। वो रेट भी बता देंगे बकरी का। अभी ये हंसी बकरी है आपके पास में। हाँ। तो स्टार्टिंग प्राइस कितनी है एक बकरी की कम से कम? अरे स्टार्टिंग तो खोल ले लाला। हाँ, फिर भी लोगों को बताइए क्योंकि लोग देखना चाहेंगे, आपके पास में फोन भी करेंगे। एक बकरी हम गब्बर का नंबर दे देंगे वीडियो में। अब जब बकरी ठाड़ी है जाके मांगा तो 3। अंदर चल के दिखाओ, अंदर चलो। रेट बहुत ज्यादा है दादा। बकरी दिखाओ दादा बढ़िया फ्रेम में। जब देख ले 4 बच्चा था आज पार साल। 4 बच्चे दिए इतना? अभी 51 है ये। हाँ। कितने दिन की? महीना बाद जी महीना ब्याज घन के में अब। अच्छा हाँ, 4 बकरे दाए हैं। बकरा भाई पहुँच गाओ जाको। अच्छा, बैतूल है कहाँ है? बैतूल MP में। हाँ भाई, इनको नाव ले बंटी कहाँ के हैं? नाम छिंदवाड़ा। बैतूल ही बंटी को पहुँचो है। अच्छा, गब्बर जी से संपर्क करेंगे तो वो बता देंगे। हाँ। आपको 3-3.5 महीना को बच्चा गाओ। कितने का? 1-15 की लंबाई दिखाओ एक एक करके पकड़ के ले लाओ। चलो जी ठीक है, ये बकरी दे देंगे किसी को चाहिए तो। हाँ। कितने की दोगे? 3 लाख की। 3 लाख की? हाँ। अच्छा, ये कौन सी नस्ल की बकरी है पहले तो ये बताएं? बिहारी है, जमुनापारी हंसा है ना। हाँ। 3 लाख की बकरी है ये। ये कोई बात है हवा में नहीं है, हकीकत बात है। बहुत से लोग मजाक समझते हैं। हाँ। 3 लाख की बकरी, 3 लाख में तो भैंस आ जाती है। तो भैंस से अगौ ही है जा। भैंस से आगे? हाँ, नहीं जब जाओ ना। 4 बच्चा दे। 4 बच्चा देती है। हाँ। एक बार में बच्चे दे दी तो बकरी फ्री हो जाती है। हाँ। एक बच्चा 50 का बिक जाता है? अरे 1 लाख बंटी ने ला भाई। अच्छा हाँ, बकरा
इसी बकरी का? हाँ, एक लाख का? 1,15,000 देगा ये। अच्छा, देगा ये 15,000 दा। कब? जब बकरी को कब दे गए थे? देगा ये खाना अभी बेको गाँव में खाना सोन भादों में। अच्छा ठीक। हाँ, ये देखिए बच्चे आप, ये दूध पीते हुए बच्चे हैं अभी। कितने दिन के बच्चे हैं? बच्चा होगा 10 दिन की चौकस। 10 दिन के हैं। बकरे हैं दोनों? हाँ दोनों। अच्छा, अगर कोई ये लेवे तो कितने के पड़ेंगे दोनों? दोनों 5 लाख से ऊपर के। हाँ, 1 लाख के? हाँ, कम नहीं, ऊपर आएंगे। अगर 1 महीने पाल के देंगे तो? अब जैसे फिर वो छड़ा जिए तैसे हैं दाम। अच्छा, उसी टाइम पे करेंगे फिर रेट। हाँ हाँ ठीक है। इनकी माँ कौन सी है? जठाड़ी, ये वाली। हाँ, बच्चे के साथ माँ के साथ में कितने के? माँ के साथ में मांगा 2.25 लाख। 2.25 लाख? 2,25,000। 2 साल के बाद फिर हमारा दौरा हुआ है यहाँ आने का। हाँ। अपना नाम बता दें दद्दू जरा। गोविंद सिंह। गोविंद सिंह, गांव प्रतापपुरा। प्रतापपुरा, चकन नगर से कितना है? 9 किलोमीटर। 9 किलोमीटर। बदन गब्बर को ना लिखो भी नहीं जाना था, मैं को नहीं जाना। बदन गब्बर का नंबर हम दे देंगे, ठीक है। हाँ। चलिए, बहुत बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। अभी खाने में क्या दे रहे हैं इनको? गेहूँ, लहरा। और सर्दी का टाइम है तो बाजरा भी दे रहे हैं थोड़ा? हाँ, बाजरा दे मिले। बच्चों को भी? बच्चों को खोन लगा वे दूध पिया। चलो ठीक। सो आप लोग इन्जॉय करें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।